दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। राजगढ़ अस्पताल में कोरोना के 3 नए केस, 48 घंटे के लिए हॉस्पिटल बंद, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही मिलेंगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर नेरचौक में कोविड मरीजों को बांटे फल और जूस पैकेट। मंडी में भारत माता सबकी माता अभियान शुरू, विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को घेरा। नई पंचायत नामीधार बाग बनने से चहके ग्रामीण, अब क्षेत्र का होगा समुचित विकास। अब समाचार विस्तार से। राजगढ़ अस्पताल में कोविड के 3 नए मामले सामने आए हैं। देर रात आई रिपोर्ट में कोरोना ने सिविल अस्पताल राजगढ़ में एक सप्ताह के भीतर लगातार दूसरी बार दस्तक दी है। यहां दाखिल स्वास्थ्य विभाग की एक 57 वर्षीय हेल्थ सुपरवाइजर के साथ अस्पताल में कार्यरत चीफ फार्मासिस्ट भी पॉजिटिव निकले हैं। साथ ही कुल्त गाँव का एक 28 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है, जिसके चलते अस्पताल को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। प्रभारी सिविल अस्पताल राजगढ़ डॉक्टर हितेंद्र ने बताया है कि महिला को कोविड केयर सेंटर सराहां भेज दिया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों को फल और जूस के पैकेट भेंट किए। मोर्चा के मंडी अध्यक्ष राकेश अहलुवालिया की अगुवाई में यह सामान कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी ठाकुर को सौंपा गया। राकेश अहलुवालिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा मोर्चा ने इस मौके पर जोनल हॉस्पिटल मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया है और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन एक सेवा सप्ताह के रूप में, एक सेवा कार्य करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। सबसे पहले मंडी जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा और हिमाचल प्रदेश की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आने वाले समय में वो इस देश और समाज के लिए एक अच्छी गति, एक नई गति देने का जो काम कर रहे हैं वैसा करते रहें। आने वाले समय में उनको भगवान उनकी दीर्घायु उनको दे। और आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम में हमारे मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आज रक्तदान शिविर का आयोजन होना था, मगर आज कोविड के चक्कर में हमने सिर्फ मंडी जिला में एक जगह आज रक्तदान शिविर करने का फैसला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिया है। जिला मंडी में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने बताया है कि देश भर में भारत माता सबकी माता एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मंडी जिला से की गई है। अभियान के तहत भारत माता की तस्वीर धार्मिक स्थलों पर लगाई जाएंगी। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के पास जो भी मांगे रखी उन्हें अनसुना किया गया है। शिमला में लव जिहाद के मामलों को लेकर अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे विश्व हिंदू परिषद रोष में है। शिव मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, उन जगह पर बौद्ध मठ है, वहाँ पर भारत माता के चित्र लगे हैं, ऐसा अभियान चला रहे हैं। आज एक अपना नाम द्वारे पर गुरुद्वारे के लिए तो अभी उसमें चित्र भेंट करेंगे तो, और दूसरा तो थोड़ा सा सरकार की जो वर्किंग है जो सरकार का विशेष रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय की जो वर्किंग है वो थोड़ा सा संतोषजनक नहीं है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। है कि मेरे साथ धोखे के साथ मुझे इस प्रकार से फंसाया गया, उसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर चला है। गौरक्षा को लेकर के हम लोग सक्रिय हैं, सरकार के पास जाते हैं, सरकार कहती है हम सेंचुरी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक धरातल के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे मंडी जिला के अंदर सड़कें जो वो बेसहारा गऊ से गोवंश से भरी हुई हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरा ऊना रोज प्रतिदिन तीन तीन चार चार गऊओं को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वेटनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर के उनका इलाज करवाना पड़ रहा है, कोई भी मार करके चला जाता है। नूरपुर के अंदर यही घटना थी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वो रेडियम बेल्ट लगा करके
गोरक्षा की बात सोची, सरकार के पास गए कि कम से कम आप भी एक्सीडेंट से कम गोवंश को बचाया जा सकता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं। करसोग के दूरदराज क्षेत्र में नई पंचायत नामी धार बाग के गठन को लेकर जारी अधिसूचना से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। समाज सेवी मोहन ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा करसोग के विधायक हीरालाल का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि नवीन पंचायत नामीधार बाग के गठन से जहां विकास कार्य तेज होंगे, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी अधिकांश लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि चवासी क्षेत्र के लोग सरकार तथा पंचायती राज के इस उपहार का स्वागत करते हैं। मोहन ठाकुर ने ग्रामीणों के साथ कहा है कि यह मांग पूरी होने से अब गांव-गांव का विकास संबंधित पंचायत के बैनर तले किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी का व स्थानीय विधायक श्री हीरालाल जी का ग्राम पंचायत मोग से अलग नाविधार स्थित बाग में नई पंचायत बनने पर अपनी नई पंचायत बाग की ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का व स्थानीय विधायक श्री हीरालाल जी का अपने दिल के गहराई से और अपने क्षेत्र की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।